नीतीश कुमारे आठमी वक्त बिहार ना मुख्यमंत्री तरीके शपथ ग्रहण कर्या छे। पटना स्थित राजभवन में राज्यपाल फागु चौहाने बुधवार बपोरे तेमने पद और गोपनीयता शपथ ग्रहण कराया था। तेमनी साथे राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादवे पण नायब मुख्यमंत्री पद शपथ ग्रहण कर्या छे। तेओ बीजी वक्त राज्यना डेप्यूटी सीएम बन्या छे। शपथ ग्रहण बाद नीतीश कुमारे कह्युं के बिहार की जनता नवी सरकार थी खूब ज खुश छे। 2020 चूंटणी में जेडीयू साथे खोटो व्यवहार थयो। अमारी पार्टी धारासभ्यो कह्युं के बीजेपी साथ छोड़ी देवो जोईए अने अंते अमे बीजेपी साथ छोड़ी दीधो। नीतीश कुमारे कह्युं के केटलाक लोकोने लागे छे के विपक्ष खत्म थई जशे, परंतु हवे अमे पण विपक्ष में आवी गया छे। हवे विपक्ष वधु मजबूत बनशे। लोगों में बहुत ज्यादा था और उसके बाद उन लोगों ने जब बातचीत किया और सारे इन लोगों से पूरी बातचीत अंदरूनी हो गई और ये बात हुआ, तो कल ही हम लोगों का फैसला हो गया। हम लोगों का 15 में कितना सीट जीते थे, आज जब इन्हीं लोगों के साथ चले गए तो क्या हुआ है, 20 में क्या स्थिति हुई थी, तब तो सब हो ही न गया। ये सब तो सब समय पर चलेगा। बीजेपी कह रही है कि यहाँ भी 2025 तक नहीं रहेंगे। अब हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2014 में अब नहीं रहेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया, जो जनता की मांग थी और जो बिहार और देश की जो जरूरत थी, वो निर्णय लिया, ऐसा निर्णय लिया जो निडर निर्णय था, और हम लोगों ने जो साथ दिया वो हम इतना कह सकते हैं कि मजबूती के साथ मिलकर के हम लोग सरकार चलाएंगे, जहां बिहार के लोगों को एक नए रास्ते पे, तरक्की के रास्ते पे, ऊंचाइयों पर लेके जाने का काम करेंगे। जो माहौल मुल्क में था, बिहार में था, जो सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव भाजपा के लोग फैला रहे थे, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी को, पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को समाप्त करने का जो प्रयास था, समाजवादी राजनीति को जो ये लोग खत्म करने का जो प्रयास कर रहे थे, क्षेत्रीय दलों को जो ये समाप्त करना चाह रहे थे, आज देख लीजिए बिहार में वो कर दिखाया जो देश को करना है और एक दिशा। तो महागठबंधन की नवी सरकार में मंत्री परिषद नु गठन पाछळथी करवामां आवशे। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव परिवार अनेक सदस्यों हाजर रहा था। पूर्व सीएम राबड़ी देवी, तेमना पुत्र तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव पत्नी सहित आरजेडी अनेक मोटा नेताओं शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचा था। बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सब। आज एक नई शुरुआत हुई है, आज एक नई शुरुआत। हाँ जी, हाँ जी, बिहार बिहार के सामने लाभशाली है। अब बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बिहार के जनता के हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना भी देते हैं, और सारे मीडिया के लोगों को मैं शुभकामना धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ बिहार के जनता के लिए, बिहार के देश राज के लिए। बहुत खुश है, सब कोई खुश है, बिहार के जनता बहुत खुश है। हाँ, सरकार में आए हैं काम करने के लिए नौजवान।